भय्यू महाराज आत्महत्याकांड में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। उन्हें ब्लैकमेल करने वाली युवती के बारे में यह बताया जा रहा है कि वह दुबई में शिफ्ट हो गई है। उल्लेखनीय है कि यह रहस्यमय युवती द्वारकापुरी में निवास करती थी और भय्यू महाराज के कार्यालय में काम करती थी, और उसके बारे में यह भी कहा गया कि विनायक की शह पर वह भय्यू महाराज के संपर्क में आई और उसके बाद उसने भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उनसे 4 करोड़, मुंबई में एक 4 BHK का फ्लैट, एक बड़ी गाड़ी और कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी की मांग उसके द्वारा लगातार की जा रही थी। और आत्महत्या के दिन भी भय्यू महाराज को उसी का फ़ोन आया था, जिसके बाद भय्यू महाराज वापस लौट आए थे। उल्लेखनीय है कि यह युवती लगातार गायब होती चली जा रही है और अब तो इसके बारे में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि यह दुबई शिफ्ट हो गई है। पुलिस द्वारा भी इस मामले में यह बयान दिया गया है कि युवती, जिस युवती का नाम सामने आ रहा है, वह दुबई में शिफ्ट हो गई है और उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस दे दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए भी पुलिस उसे इंदौर लाएगी। अब सवाल यह भी उठता है कि वह लड़की दुबई कैसे पहुंच गई, उसका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया गया। जब पुलिस उसे संदेह ही मान रही थी तो फिर उसे दुबई क्यों जाने दिया गया। और यह भी सवाल उठ रहा है कि वह दुबई कब गई और किसकी शह पर गई।